इसी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है कि हमने डीएमएम को कैसे यूज करना है ऑसिलोस्कोप को, फंक्शन जनरेटर्स को एंड पावर सप्लाईज को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीएमएम। तो लैब में आपके पास एज इट इज यही डीएमएम होगा। इसमें आप लोग देखें कि दो टर्मिनल्स हैं, ये एक कॉमन है मतलब, और अगर आपने वोल्टेज मेजर करनी है तो आपको ये ब्लैक वाला वोल्टेज टर्मिनल में ऐड करना होगा, ब्लैक प्रोब, और रेड प्रोब हमेशा कॉमन रहेगी। और अगर आपको करंट मेजर करना है मिली एम्पेयर्स में, तो इस पॉइंट से हटा के प्रोब आपने मिली एम्पेयर में ऐड करनी है। अगर आपने एम्पेयर में मेजर करना है तो आपने एम्पेयर में प्रोब ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी वोल्टेज मेजर कर रहे हैं तो वोल्टेज के लिए नोब कहाँ पे सेट करनी है। इसके लिए दो हैं कि आप एसी मेजर कर रहे हैं या डीसी। ये वी के आगे साइन वेव टाइप साइन है, यहाँ से आप लोग एसी मेजर करते हैं और यहाँ से डीसी मेजर करते हैं। अगर आपने करंट मेजर करनी है, आपने करंट में पुट करना है, मिली में करना है या एम्पेयर में, यहाँ से एसी डीसी दोनों अवेलेबल हैं। अगर आपने रेजिस्टर मेजर करना है, तब आपने उसको वोल्टेज वाली पॉइंट पे ही रखना है, उसको करंट पे नहीं रखना। और इसके अलावा स्टार्ट पे आपने डीएमएम यूज करने से पहले आपने सबसे पहली चीज जो चेक करनी है वो साउंड आ रही है या नहीं आ रही बीप की। उसके लिए आपको प्रॉप को, ये साउंड वाला बटन है जहाँ पे डायोड भी बना हुआ है, उस पे आपने ये नॉब को सेट करना है यहाँ पे, और जो ये दोनों टर्मिनल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है और एक बीप की साउंड आएगी। इसका मतलब है वो शॉर्ट हो रहे हैं और वो अभी डीएमएम काम ठीक कर रहे हैं, ये बीप की साउंड से पता चलेगा। अगर वो बीप की साउंड नहीं आए, इसका मतलब है डीएमएम वो ठीक नहीं है। तो पहले डीएमएम की टेस्टिंग होगी, उसके बाद आप मेजरमेंट्स करेंगे आगे से। तो आगे ये हर लैब में आगे यूज होगा और आगे पूरी इंजीनियरिंग में आपका यूज होता रहेगा, तो आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इससे। कुछ आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा। नेक्स्ट है ओसिलोस्कोप। ये ओसिलोस्कोप इस तरह का आपको सामने से नजर आएगा। ये इसका पावर बटन है जहां से हम इसको ऑन करेंगे। इसके दो चैनल हैं, चैनल 1 चैनल 2। चैनल्स किस लिए हैं कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक आउटपुट देखनी है तो आप उसको चैनल 1 पे लगाएंगे तो चैनल 1 की आउटपुट देख रहे हैं आप उस पॉइंट पे। दो आउटपुट्स हैं तो आप दोनों एट ए टाइम भी यूज कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने ये इसकी लेबलिंग की है कि कौन सा टर्मिनल कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, ये पहला एलसीडी डिस्प्ले है जो ये आपका है, ये एलसीडी डिस्प्ले है। ये इसकी फंक्शन कीज है ये वाली, ये जब आप ऑन करेंगे ना, डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे लिखे आ रहे होंगे, आपको कौन सा फंक्शन है तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जो भी आपको फंक्शन चाहिए। देन ये इसकी मेन्यू कीज आती है सारी, ये मेन्यू कीज हैं, ऑटो सेट, रन, स्टॉप, हेल्प, यूटिलिटी डिस्प्ले, सारी मयर, आपने मयरमेंट्स देखने हैं, मयर को प्रेस करेंगे यहाँ मयरमेंट्स पे आ जाएंगे। सब ऑटो सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेगी वेवफॉर्म को। वेवफॉर्म अगर चल रही है उसको स्टॉप करना है, रन स्टॉप से आप चेक उसको स्टॉप कर सकते हैं। आपने अगर सेव करनी है वेव को, तो आप यहाँ यूएसबी ड्राइव यहाँ इंसर्ट करके यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये चैनल 1, ये वर्टिकल है एक और एक हॉरिजेंटल है। वर्टिकल मीन्स ये वोल्टेज, जो वोल्टेज है वो आपकी इस इधर जो ग्राफ होगा वो वर्टिकल में होगी। हॉरिजेंटल लिखा हुआ है टाइम का, टाइम पर डिवीजन, आपको ये जो हॉरिजेंटल में है ये टाइम पर डिवीजन शो कर रही होगी। अब कोई भी अगर ग्राफ है उसको रीड कैसे करना है, उसकी क्या वैल्यू कैसे करनी है वोल्टेज की, वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्क्रीन है ऑसिलोस्कोप की, उसमें ये जो वर्टिकल है ये एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स वोल्टेज शो कर रहा है, और जो हॉरिजेंटल है ये टाइम है, टाइम पीरियड शो कर रहा है। तो जो ये 1 बॉक्स है ये इक्वल टू 1 डिवीजन होता है। आपने ये जो पॉइंट है वोल्ट, इसको आप जितना चेंज करेंगे उससे इतनी वोल्ट पर डिवीजन चेंज होती रहेगी और आपको नीचे शो होता रहेगा कि अभी इस पे सेट है, अभी इस पे सेट है। टाइम पर डिवीजन से आप वो चेंज कर सकते हैं, टाइम पर डिवीजन आपने जो अपनी अकॉर्डिंग सेट किया, बट कोई भी आपने वोल्ट पर डिवीजन पॉइंट रखा हुआ है वो आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी टाइम पर डिवीजन 5 पे सेट की हुई है तो आपको 5 शो हो रही होगी अभी, और आपने वोल्ट 2 पे सेट किए हुए, तो ये आपकी ऑलरेडी सेट वैल्यूज हैं जो आपको वहां शो हो रही होंगी। इसको यूज करते हुए आपने अब ग्राफ को रीड करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पूरी वेव इन 3 पॉइंट्स पे आ रही है, 1 2 3 बॉक्सेस पे।
तो एम्पलीट्यूड हम वोल्टेज कैसे मेजर करेंगे? थ्री डिवीजन्स हैं, थ्री बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स 2 वोल्ट्स के इक्वल है क्योंकि 2 वोल्ट्स पर डिवीजन एक बॉक्स। तो 3 बॉक्सेस मल्टीप्लाई बाय 2, 6 वोल्ट्स। तो ये आप रीड कर रहे हैं कि ये जो आउटपुट है वो 6 वोल्ट है। अगर आपने टाइम पीरियड मेजर करना है उसका, तो अभी इस केस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉक्सेस हैं, हॉरिजेंटल देख रहे हैं पूरा टाइम, 8 बॉक्सेस हैं, और एक बॉक्स 5 के इक्विवेलेंट है, 5 मिलीसेकंड के। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 40 मिलीसेकंड आपको इसका टाइम पीरियड पता चल जाएगा। और टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कैसे होता है? टाइम पीरियड का इनवर्स लेते हैं, 1/T करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो 1/40 करेंगे तो आपका 25 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मजीद हम लोग जब लैब में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने एक बार दोबारा से मेमोराइज करनी है ये स्लाइड कि आप कैसे रीड करें वैल्यूज। ये काफी स्टार्ट में कंफ्यूजिंग होगा लेकिन ऐसे ऐसे ही आपको हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर को हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज देने के लिए। अब इसका ये पावर बटन है, यहाँ से आप इसको ऑन करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी है। एक तो आप नॉब से चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, दूसरे ये जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनको यूज करके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करनी है जो इनपुट पे आप देना चाह रहे हैं। आपने 1 प्रेस किया, देन शिफ्ट, देन किलो हर्ट्ज, इसमें से ये वाला 9 वाला जिसके ऊपर किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है, तो आपने शिफ्ट के बाद 9 को प्रेस किया तो 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट हो गई है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल 1 मेगा सेट करनी है तो 1 प्रेस किया, शिफ्ट एंड देन मेगा हर्ट्स, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है आप इन बटन्स को यूज करके वो सेट कर सकते हैं। आप वो वेव फॉर्म की शेप चेंज करना चाह रहे हैं, स्क्वेयर करना चाह रहे हैं, ट्राइंगुलर है या साइन है, तो आप इस पॉइंट जो वेव बनी हुई है इसको प्रेस करेंगे तो आप डिफरेंट शेप्स उसकी सेट कर सकते हैं। अभी आपने आप चाह रहे हैं कि आप जो यहाँ फ्रीक्वेंसी सेट करें वो आप ऑसिलोस्कोप पे देखना चाह रहे हैं, तो आप एक प्रॉप कनेक्ट करेंगे जिसका मेन बटन यहाँ पे कनेक्ट होगा प्रॉप का, और ऑसिलोस्कोप पे भी एक प्रॉप कनेक्ट करेंगे। चैनल 1 पे देखना चाह रहे हैं, चैनल 2, फॉर एग्जाम्पल चैनल 1 पे देख रहे हैं, इसकी प्रॉप यहाँ कनेक्ट करेंगे। अब दोनों की प्रॉप्स के आगे एक रेड है टर्मिनल और एक ब्लैक है, तो रेड वाले को इसकी फंक्शन जनरेटर की प्रॉप के रेड से कनेक्ट करेंगे, ग्राउंड को ग्राउंड से, यहाँ से आउटपुट ऑन करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी यहाँ आपने सेट की है वो आपको ऑसिलोस्कोप पे शो होगी और वो आप रीड करेंगे वहां से, लैब में हम लोग करेंगे वो। अच्छा, इसके अलावा आपने ऑसिलोस्कोप की टेस्टिंग करनी है स्टार्ट में, ये पॉइंट रह गया था कि आपने वो कैसे करनी है। सबसे पहले ऑसिलोस्कोप को टेस्ट करना है, जैसे DMM को हमने टेस्ट किया था कि बीप की साउंड आई है वो ठीक काम करे, ऑसिलोस्कोप ठीक काम करे या नहीं इसको कैसे टेस्ट करेंगे? आपके पास जो प्रॉब होगी उसको आप चैनल 1 पे डालेंगे। प्रॉब का जो रेड वाला टर्मिनल है ये 2 वोल्ट्स की वेव फॉर्म, यहाँ लिखा हुआ है 2 वोल्ट स्क्वेयर वेव, इस पॉइंट पे आप उसको इंसर्ट करेंगे जो रेड वाला है, तो आपको 2 वोल्ट्स की वेव यहाँ स्क्रीन पे शो होगी। ऑटो सेट करेंगे, 2 वोल्ट्स की वेव शो होनी चाहिए, तो अगर वो सही तरह शो हो रही है प्रॉपर तो इसका मतलब ऑसिलोस्कोप इज वर्किंग फाइन, आप इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इस इनसे इस लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी के? आगे मैं टेबल आपको दिखा देती हूँ जो लैब में करना है। हमने फंक्शन जनरेटर से डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देनी है, पहले हम 2 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे के ऑसिलोस्कोप पे देंगे और फिर हम उस पर वोल्टेज मेजर करेंगे। यहाँ पे जैसा मैंने बताया वोल्ट पर डिवीजन आपने जो सेट किया होगा वो नंबर ऑफ डिवीजन्स से कितनी पे आ रही है ये, और उसके बाद हम टाइम, जैसे मैंने आपको पहले बताया टाइम पीरियड जब आ जाएगा तो आप फ्रीक्वेंसी जब करेंगे 1/T तो वो ऑलमोस्ट इसी के अराउंड अबाउट आनी चाहिए जो आपने इनपुट पे दी है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ऑसिलोस्कोप पे भी वही शो हो रही है जो आपने दी है। इस तरह हम लोग 4 फ्रीक्वेंसी देंगे डिफरेंट और ऑसिलोस्कोप पे उसको रीड करेंगे।